एनिमल किंगडम, फाइलम हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। प्लीज जॉइन फास्ट एंड लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल। प्लीज जॉइन फास्ट एंड लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल। स्टूडेंट्स प्लीज जॉइन फास्ट एंड लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल। ओके सो डेजी सिंह हैज रिटन गुड आफ्टरनून मैम, जस्ट लेट मी नो वेदर आई एम ऑडिबल नाउ, वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट। ओके सो मैनी ऑफ यू आर राइटिंग गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई जस्ट वॉन्ट टू नो वेदर माई साउंड इज ऑडिबल। ओके किसी ने अधूरा लिख के छोड़ दिया, मैम योर साउंड। ओके समबडी हैज रिटन एवरीबडी एवरीथिंग इज फाइन। सो ऑल स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून टू यू ऑल एंड वेलकम बैक ऑन माई क्लास टुडे ऑन दिस प्लेटफॉर्म अभ्युदय। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी एनिमल किंगडम, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, और आपकी अटेंडेंस ली जाएगी जैसे एज यूजुअल ली जाती है। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको इससे रिलेटेड पूछना होगा तो आप इस पे पूछिएगा। आई नो देर इज सम काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, एक या दो दिन ये रहेगा फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज़ आज थोड़ा सा इसको बेयर कर लीजिए विथ दैट काइंड ऑफ साउंड, ओनली फॉर टूडे प्लीज़ बेयर इट विथ मी एंड थिंग्स विल बी फाइन इन वन और टू डेज। सो आई एम स्टार्टिंग बिकॉज सो मैनी ऑफ यू हैव जॉइंड। ठीक है, कई सारे लोग ज्वाइन कर लिए हैं और मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आपके फिर इसके बाद भी क्लास है, तो जितनी देर होगी उतनी फिर दूसरे क्लास में आपको प्रॉब्लम होगी। सो आई एम स्टार्टिंग विथ कॉर्डेटा। नाउ यू विल कम अक्रॉस अ टर्म हेमी कॉर्डेटा। ठीक है, हेमी कॉर्डेटा, हेमी का मतलब होता है हाफ और कॉर्डे का मतलब होता है कॉर्ड। ये हेमी कॉर्डेटा पहले फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया था क्योंकि इसके अंदर एक स्टोमोकॉर्ड पाई जाती है जिसको कि कंफ्यूज कर लिया गया था कि इट इज़ ए नोटोकॉर्ड। बाद में ये पता चला कि दिस इज जस्ट ए बक्कल डाइवर्टिकुलम और इसे कॉर्डेट से हटा दिया गया है। सो नाउ इट इज़ कंसिडर्ड एज इनवर्टिब्रेट, ये एक इनवर्टिब्रेट ही है और इसे सेपरेट स्टेटस फाइलम का दिया गया है। तो आप ये याद रखिएगा कि अब हेमी कॉर्डेटा कॉर्डेट फाइलम के अंदर नहीं है, ये एक अलग से खुद फाइलम का स्टेटस पा गया है। तो हम लोग पहले हेमी कॉर्डेटा पढ़ लेंगे फिर इसके बाद हम लोग कॉर्डेटा पढ़ेंगे। हेमी कॉर्डेटा के अगर आप कैरेक्टर्स देखें तो ये मराइन होते हैं, ओशन और सी में ही, खारे पानी में ही मिलेंगे, सिंगल या कॉलोनी में रह सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट होता है, फ्रेजाइल का मतलब होता है ईजिली टूट जाना, वर्मी फॉर्म मतलब वर्म की तरह, अनसेगमेंटेड, बायलैटरली सिमेट्रिकल और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में। बॉडी डिवाइडेड होती है प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में, तीन हिस्से में डिवाइडेड है। एक लेयर का एपिडर्मिस है और इसमें म्यूकस ग्लैंड होती है जो कि काफ़ी म्यूकस सिक्रीट करती है, इसलिए बॉडी हमेशा वेट रखा जाता है। इनका सिलोम एंटेरोसीलस है,
डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कंप्लीट होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि फोर गट में हॉलो आउट ग्रोथ, जिसको कि बक्कल डाइवर्टिकुलम बोला गया है, इसी को पहले कंफ्यूज कर लिया गया था कि ये नोटोकॉर्ड है, लेकिन ये नोटोकॉर्ड नहीं है, इसे स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं। सो दिस इज ए स्टोमोकॉर्ड। और इसी की जब पहचान की गई तो इसे कॉर्डेट से सेपरेट कर दिया गया। एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ये भी है कि इसमें फेरिंग्स के रीजन में गिल स्लिट्स पाई जाती है और एक से लेके कई पेयर प्रेजेंट हो सकती है। ये सीलियरी फीडर्स हैं, फिल्टर फीडिंग होती है इनमें। और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपके नीट में पूछा जा सकता है कुछ एनिमल्स का नाम देके कि इनमें से कौन कौन से फिल्टर फीडर हैं या कौन सा एनिमल फिल्टर फीडर नहीं है। सो मेनी पीपल आर ज्वाइनिंग, दे आर राइटिंग गुड आफ्टरनून, सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। और फिर से मैं बता दूं कि मैं हेमी कॉर्डेटा डिस्कस कर रही हूं, मैंने अभी उसके जनरल कैरेक्टर्स को स्टार्ट किया है। इसका सर्कुलेटरी सिस्टम सिंपल और ओपन टाइप का होता है, सिंपल एंड ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट जो है वो डॉर्सल है, हार्ट जो है वो डॉर्सल है, और एक डॉर्सल और एक वेंट्रल ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है। तो ये कैरेक्टर जो है डॉर्सल हार्ट, ये इनवर्टिब्रेट का कैरेक्टर है और ये कॉर्डेट से डिफरेंट है। इनवर्टिब्रेट में यूजुअली एक ब्लड वेसल होती है, इसमें दो है। नेक्स्ट, एक्सक्रीशन इसमें प्रोबोसिस ग्लैंड या ग्लोमेरुलस के द्वारा होता है। रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल है और सेक्सेस इसमें सेपरेट है, मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म सेपरेट है। इनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और टॉर्नेरिया लार्वा इसमें प्रेजेंट है। अब देखिए, आप लोग को कभी कभी ये लग रहा था कि मैं थोड़ा ज़्यादा हाई लेवल का पढ़ा रही हूँ। एक्चुअली कुछ टर्म्स जो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं उसको मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही थी या चीज़ों को रिलेट कर रही थी, ताकि जो भी क्वेश्चंस हो, अगर एसर्शन रीजनिंग टाइप की भी क्वेश्चंस हो तो आप उसको आसानी से कर सकें। लेकिन अभी कुछ लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो आज के लेक्चर को मैंने और भी बहुत सिंपल बनाने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों की वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। इंग्लिश की प्रॉब्लम थी कि इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है, हिंदी में बताइए, तो अब मैं कम्प्लीटली हिंदी ही बोलना चाह रही हूँ, लेकिन जो टर्म्स हैं वो इंग्लिश में लिखे हुए हैं, मैं उसको इंग्लिश में ही यूज़ कर रही हूँ। आज काफ़ी सारे नए चेहरे दिख रहे हैं और आप लोग सभी का स्वागत है। तो हम लोग क्लासिफिकेशन पे चलें, फाइलम हेमी कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन। सबसे पहले तो हेमी वर्ड का मतलब होता है हाफ, कॉर्डेटा ये बेसिकली कॉर्डेट से आया है, जिसमें कि नोटोकॉर्ड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। लेकिन अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि पहले इसको कॉर्डेट माना गया था, अब इसे कॉर्डेट नहीं माना गया है। इसके दो क्लासेस हैं, एक है एंटेरोपनिस्टा, दूसरा है टेरोब्रैंकिया। एंटेरो कम्स फ्रॉम एंटेरॉन गट एंड न्यूस्टोस ब्रीड, या गिल से रिलेटेड होता है, ब्रीदिंग से रिलेटेड होता है। ये फ्री स्विमिंग होते हैं, बरों में रहते हैं, और आपके एनसीईआरटी के बुक में इसका एग्जांपल्स दिए हुए हैं, बैलेनोग्लॉसस। इन्हें सिंपली एकॉर्न और टंग वर्म बोलते हैं, एकॉर्न वर्म या टंग वर्म बोलते हैं। प्रोबोसिस इनका सिलिंड्रिकल होता है, इसके बाद एक कॉलर प्रेजेंट होता है जिसमें कि सीलिएटेड आर्म्स हैं, और इसी वजह से ये फिल्टर फीडर्स होते हैं। ये जो सीलिया प्रेजेंट है, ये जब वाटर करंट होता है
तो वाटर करंट से जो भी चीज़ें आती हैं फूड के रूप में उसको ये फिल्टर कर लेता है जो सीलिएटेड आर्म है, इसलिए इसे फिल्टर फीडर बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका है बेलेनोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस। दूसरी जो क्लास है वो है टेरोब्रैंकिया। टेरॉन जो वर्ड है उसका मतलब होता है फेदर। टेरॉन कम्स फ्रॉम फेदर एंड ब्रैंकियन कम्स फ्रॉम गिल। तो ये सॉलिटरी या कॉलोनियल हो सकते हैं। सेसाइल मतलब कि कोई स्टॉक नहीं होगा, स्टॉक नहीं होगा, सेजाइल होते हैं। और ट्यूबिकोलस, ट्यूब सिक्रीट करेंगे और ट्यूब के अंदर रहेंगे। दे सिक्रीट काइटिनस ट्यूब, अपना खुद का ट्यूब सिक्रीट करते हैं और उसी के अंदर रह सकते हैं। प्रोबोसिस जो है इनका वो शील्ड की तरह होता है और कॉलर इनके अंदर भी सीलिएटेड आर्म्स बियर करता है। इस सीलिएटेड आर्म को एक नाम दिया गया है लोफोफोर। इसलिए हेमीकॉर्डेट्स जो है वो लोफोफोरेट सीलोमेट है। ये टर्म आप याद रखिएगा कि आपके चार ऑप्शन में ये आ सकता है कि लोफोफोरेट सीलोमेट कौन सा है, विच वन इज अ लोफोफोरेट सीलोमेट। तो एग्जाम्पल्स इसके हैं रैबडोप्यूरा एंड सिफेलोडिस्कस। अब नीचे कुछ फोटोग्राफ्स हैं, आप देखिए बेलेनोग्लॉसस का लेफ्ट हैंड साइड में जो मैं कर्सर से आपको दिखा रही हूँ, और राइट हैंड साइड में कई सारे दूसरे एग्जाम्पल्स भी हैं जिसमें सबसे ऊपर लेफ्ट इट इज द बेलेनोग्लॉसस एंड ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन सी द टेरोब्रैंक्स रैबडोप्लूरा। अब मैं कुछ इससे रिलेटेड एमसीक्यू आपसे पूछ रही हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए। ये हेमिकॉर्डेटा से रिलेटेड है और आप इसको सॉल्व कीजिए। विच इज ट्रू अबाउट हेमिकॉर्डेटा? दे आर कॉर्डेट्स, दे हैव परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड, दे आर ट्यूबिकोलस, दे आर नॉन कॉर्डेट्स। आप 1, A, B, C जो भी आपका आंसर हो प्लीज आप चैट बॉक्स में लिखिए, क्वेश्चन का नंबर लिखिए और आंसर ABCD में जो भी आपको लग रहा है कि सही है आप लिखिए। ओके, पॉलीबॉन 8 हैज रिटन ए। अभी मैंने इतना बताया ठीक है, या आंसर गलत है। त्रिपाठी जी डी लिखी है, पोएट्री सनशाइन डी, गरिमा पाल डी, अनुराग गौतम डी, अक्षय कुमार डी, मिहिर वर्मा डी, अनिमेश गुप्ता डी, त्रिपाठी डी। तो ठीक है, इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है दे आर नॉन कॉर्डेट्स, सो डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी लोग अपने आंसर्स को चेक कर लें। नेक्स्ट है विच इज ट्रू अबाउट हेमिकॉर्डेटा, विच इज ट्रू अबाउट हेमिकॉर्डेटा। अगेन द ऑप्शंस आर दीज आर कॉर्डेट्स, दे हैव परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड, दे हैव स्टोमोकॉर्ड, दे आर टेरेस्ट्रियल। ठीक है, 2 का आंसर क्या होगा? 2 का कुछ लोगों ने डी लिखा है, दैट इज रॉन्ग। 2 का आंसर सी है। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज सी। सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1, डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच वन बिलोंग्स टू हेमिकॉर्डेटा, विच वन बिलोंग्स टू हेमिकॉर्डेटा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, इसमें से हेमिकॉर्डेटा कौन सा है? आप क्वेश्चन का नंबर लिख के उसके बाद उसकी आंसर लिखिए, क्वेश्चन का नंबर लिखिए एंड देन राइट द आंसर। और अभी जस्ट 2 ही 3 स्लाइड ऊपर मैंने यही सारी चीज़ें पढ़ाई हैं और ये शो कर रहा है कि आपका ध्यान कहाँ है। ये सारे आंसर सभी लोगों को सही करने चाहिए थे।
एक भी आंसर, बहुत कम आंसर सही आ रहा है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. विच वन बिलोंग्स टू हेमिकॉर्डेटा? तो ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एकॉर्न एंड टंग वॉर्म्स बिलोंग टू फाइलम. एकॉर्न एंड टंग वॉर्म्स बिलोंग टू फाइलम. क्वेश्चन नंबर फोर. ओके, सो त्रिपाठी जी हैज रिटन 3 का डी, 4 का ए, 5 का सी. ठीक है, 4 का ए आपका सही है, 5 का आंसर आपका गलत था त्रिपाठी जी. बाकी सब लोग ए लिखे हैं कई सारे, सो ए इज करेक्ट. एकॉर्न वर्म एंड टंग वर्म्स बिलोंग टू फाइलम हेमिकॉर्डेटा. देन क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए. लोफोफोर इज प्रेजेंट इन हेमिकॉर्डेटा. लोफोफोर इज प्रेजेंट इन हेमिकॉर्डेटा. सो 5 का आंसर ए इज करेक्ट. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज. तो हेमिकॉर्डेटा आज मैंने आपका कंप्लीट कर दिया, उसके क्वेश्चंस भी मैंने आपसे सॉल्व करा लिए. नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग द फाइलम कॉर्डेटा. ठीक है, अब देखिए, जब हम कॉर्डेट की बात करते हैं तो कॉर्डेट का 3 कैरेक्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है. 3 कैरेक्टर्स आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स एंड दीज आर कॉल्ड सैलियंट फीचर्स. इस ये जो सैलियंट फीचर है, ये कॉर्डेटा में कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेज पे, डेवलपमेंट के किसी ना किसी स्टेज पे ज़रूर अवश्य प्रेजेंट होगा. डेवलपमेंट के किसी ना किसी स्टेज पे ये अवश्य प्रेजेंट होता है. सो दीज 3 कैरेक्टर्स आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. पहला कैरेक्टर है डॉर्सल हॉलो और ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड. एक चीज़ का यहाँ हमेशा ध्यान रखिएगा कि कॉर्डेटा में जो नर्व कॉर्ड है वो डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है. डॉर्सल साइड में ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है. दूसरा कैरेक्टर रॉड लाइक नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस. रॉड लाइक नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस ये क्या है? ये वैक्यूलेटेड नोटोकॉर्डल सेल्स हैं, इसमें जिलेटिन भरा हुआ होता है और ये फाइब्रस और इलास्टिक शीत से कवर्ड होता है. और जब डेवलपमेंट हो रही होती है, तो उस टाइम में कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेज पे ये अवश्य प्रेजेंट होता है. तो किसी ना किसी स्टेज पे ये अवश्य प्रेजेंट होता है. और इसके कई फेट्स होते हैं. कुछ फॉर्म्स में ये कुछ टाइम के लिए प्रेजेंट होता है, फिर ये मेटामॉर्फोसिस के दौरान ये लॉस्ट हो जाता है. कुछ फॉर्म्स में ये थ्रू आउट लाइफ नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट होता है और कुछ फॉर्म्स में रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से. तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. इससे एसोसिएटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नोटोकॉर्ड किस में थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड किस में रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से, नोटोकॉर्ड किस ऑर्गेनिज्म में लॉस्ट हो जाता है. ठीक है, तीसरी जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है उसको बोलते हैं पेयर्ड गिल स्लिट का प्रेजेंस. फेरिंग्स में गिल स्लिट्स होती है, पेयर्ड होती है, और इस प्रोसेस को या इस स्टेज को फेरिंगोट्रेमी या फेरिंगुला स्टेज बोलते हैं. ये सभी
कॉर्डेट में किसी न किसी टाइम पे डेवलपमेंट में अवश्य प्रेजेंट होती है, और बाद में हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद ये जो गिल स्लेट है ये फिर लॉस्ट हो जाए, या कुछ में ये थ्रू आउट लाइफ परसिस्टेंट रहेगी। अब इसके जनरल अदर जो कैरेक्टर है कॉर्डेट का वो हम लोग देखें कि और भी कौन कौन से कैरेक्टर है। तो किसी ने लिखा है मेरे में कभी क्लियर दिखता ही नहीं कुछ भी। आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, ठीक है, नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। एक बार जब पूरा क्लास ओवर हो जाएगा तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करके आप देखिएगा तो फिर ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सीलोमेट्स होते हैं, ठीक है। किसी ने लिखा है सेकंड लाइन फिर से रिपीट कीजिए, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। रॉड लाइक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, रॉड की तरह का नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, और ये वैक्यूलेटेड सेल्स हैं, ये जिलेटिन से भरा होता है, और इस पे एक फाइब्रस और इलास्टिक शीट प्रेजेंट होती है। लेकिन इसके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि ये किसी पर्टिकुलर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे प्रेजेंट होगा ये, और अवश्य प्रेजेंट होगा तभी हम उसको कॉर्डेट मानेंगे। अगर ये कैरेक्टर नहीं प्रेजेंट है किसी भी स्टेज पे डेवलपमेंट में तो हम उस ऑर्गेनिज्म को कॉर्डेट नहीं मान सकते। लेकिन इसके तीन अलग अलग फेट होते हैं, किसी में ये थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट रहेगा एज नोटोकॉर्ड, किसी में ये वर्टिब्रल कॉलम बन जाएगा एडल्ट केस में, और कुछ फॉर्म्स में इसकी लॉस हो जाती है, कुछ फॉर्म में इसकी लॉस हो जाती है, ये लॉस्ट हो जाता है। थर्ड है पेयर्ड गिल स्लिट्स इन फेरिंग्स एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो पेयर्ड गिल स्लिट्स होता है फेरिंग्स में, किसी भी स्टेज पे डेवलपमेंट में अवश्य प्रेजेंट होगा, और बाद में हो सकता है कि गिल स्लिट लॉस्ट हो जाए, मेटामॉर्फोसिस के दौरान लॉस्ट हो जाए या चेंज हो जाए, और कुछ में एक्सटर्नल गिल्स हो जाए। तो इस तरह से ये हर कॉर्डेट में फेरिंग्स में गिल स्लिट ज़रूर प्रेजेंट होता है। इसे फेरिंगुला स्टेज बोलते हैं, या इस पेयर्ड गिल स्लिट जो फेरिंग्स में है इसके कारण परफोरेशन जो है उसको फेरिंगुला स्टेज उसको बोलते हैं, और फेरिंगोट्रेमी भी बोला जाता है। अब आप नेक्स्ट वाला जो कैरेक्टर्स है उस पे आइए। तो ये बायलैटरली सिमेट्रिकल हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, सीलोमेट्स हैं, मेटामेरिज्म है इनके अंदर, ऑर्गेन सिस्टम लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का इनके अंदर, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होता है इनके अंदर। तो टेल जब भी प्रेजेंट होगा ये एनस के पीछे होगा, कभी भी एनस के पहले नहीं होगा। ये भी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कॉर्डेट का कि दे पोजेस ए पोस्ट एनल टेल। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं इसमें, और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्लोज्ड टाइप के होते हैं, और लिविंग एंडोस्केलेटन। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि कॉर्डेट में जो एंडोस्केलेटन है वो लिविंग होता है, वो थ्रू आउट लाइफ लिविंग होता है। दैट मीन्स उसके साइज में, उसके शेप में चेंजेस आ सकती है, उसके अंदर जो सेल्स होती हैं ऑस्टियोब्लास्ट और इस तरह के कॉन्ड्रोसाइट सेल्स जो हैं वो लिविंग होती हैं, और इसी वजह से यहाँ ये डिफरेंस है। इनवर्टिब्रेट में ऐसा नहीं है, इसलिए वहाँ पे इक्डाइसिस का फेनोमेनन होता है, और कॉर्डेट्स में इक्डाइसिस आपको नहीं दिखेगी। अगर मोल्टिंग होती भी है कॉर्डेट में तो ये स्किन से रिलेटेड है रेप्टाइल में।
एक्सक्रेटरी सिस्टम किडनी या ट्यूब्यूल्स का बना होता है, एफिशिएंट रेस्पिरेशन होता है इनके अंदर, स्किन के द्वारा, गिल के द्वारा या लंग के द्वारा, और सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, कहने का मतलब कि एक ब्रेन होगा और ब्रेन से निकलने वाले नर्व्स होंगे, और ये सारा जो है वो सेंटर जो पार्ट है दैट इज ब्रेन, उससे किसी ना किसी तरह से कंट्रोल होता है। अब नेक्स्ट है इसका क्लासिफिकेशन। तो ये जो आप क्लासिफिकेशन देख रहे हो, ये एक आउटलाइन है क्लासिफिकेशन का, आउटलाइन है क्लासिफिकेशन का। तो फाइलम कॉर्डेटा डिवाइडेड है ग्रुप में, दो ग्रुप में, एक क्रेनिया जिसको प्रोटोकॉर्डेटा बोलते हैं और क्रेनिएटा। अब यहाँ मेन डिफरेंस क्या है इसको दो ग्रुप में बांटने में, मेन किस चीज़ को लिया गया, किस कैरेक्टर को लिया गया है, मेन कौन सा कैरेक्टर है? तो एक क्रेनिया, ए का मतलब होता है नो, क्रेनिया मतलब ब्रेन बॉक्स। तो एक क्रेनिया में ब्रेन बॉक्स या स्कल आप जिसको बोलते हो वो प्रेजेंट नहीं होता, ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट नहीं होता, क्रेनियम प्रेजेंट नहीं होता। तो स्कल के अंदर एक हिस्सा होता है क्रेनियम, और क्रेनियम के अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है, लेकिन एक क्रेनिया में ये क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स एब्सेंट है। दूसरा ग्रुप है क्रेनिएटा, क्रेनिएटा जिसमें कि ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट है, ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट है। अब एक क्रेनिया दो सब फाइलम में बटा हुआ है, एक है यूरोकॉर्डेटा और दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा। पहला है यूरोकॉर्डेटा, दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। अभी हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे कि इसके क्या कैरेक्टर्स हैं। और क्रेनिएटा में एक ही सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो क्रेनिएटा में जो सब फाइलम है वो है एक ही है वर्टिब्रेटा, इसमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है। अब ये डिवाइड किया गया है इनटू डिवीजन, तो दो डिवीजन है, एक है एग्नाथा, दूसरा ग्नाथोस्टोमाटा, एग्नाथा एंड ग्नाथोस्टोमाटा। एग्नाथा को दो क्लास में बांटा गया है, एक ऑस्ट्राकोडर्मी, दूसरा साइक्लोस्टोमाटा। अभी एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक एक का हम लोग कैरेक्टर्स देखेंगे। अगर किसी को इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, तो आप चैट बॉक्स में लिखिए। ग्नाथोस्टोमाटा को फिर दो सुपर क्लास में बांटा गया है, एक है पीसेस, दूसरा है टेट्रापोडा, पीसेस एंड टेट्रापोडा। पीसेस को दो क्लास में बांटा गया है, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस। और टेट्रापोडा को चार में बांटा गया है, एम्फीबिया, रेप्टीलिया, एव्स एंड मैमल्स। अब हम लोग थोड़ा एक रेनिया या प्रोटोकॉर्डेटा के कैरेक्टर्स देखें, तो इनके अंदर क्रेनियम नहीं प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है, जॉ एब्सेंट होती है, पेयर्ड अपेंडेज भी एब्सेंट है। तो देयर इज नो क्रेनियम, नो जॉ एंड नो पेयर्ड अपेंडेज। तो ये इसका इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसको एक क्रेनिया बोलते हैं या प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है। अब इसे दो सब फाइलम में बांटा गया है, सो इट इज डिवाइडेड इंटू टू सब फाइलम, वन इज यूरोकॉर्डेटा एंड अनदर वन इज सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा, यूरो मीन्स टेल, सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलो मीन्स हेड, ठीक है। तो यूरोकॉर्डेटा में जो कॉर्डेट के कैरेक्टर्स हैं, तीन मेन कॉर्डेट के कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें नोटोकॉर्ड जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द टेल रीजन, इसलिए इसका नाम पड़ा है यूरोकॉर्डेटा, यूरो मीन्स टेल। तो
टेल रीजन में प्रेजेंट है, यूरो कॉर्डेटा में, नोटो कॉर्ड टेल में प्रेजेंट है, और ये एक्सक्लूसिवली मैराइन है, सॉलिटरी या कॉलोनियल हो सकता है। इसके बॉडी के ऊपर एक टेस्ट या ट्यूनिक होती है, ठीक है, हार्ड एक कवरिंग होती है, इसके बॉडी के ऊपर हार्ड कवरिंग होती है, टेस्ट या ट्यूनिक, ओके। सो इट सिक्रीट्स दिस टेस्ट और ट्यूनिक एंड दिस प्रोटेक्ट्स दीज एनिमल्स। नेक्स्ट, नोटोकॉर्ड इन द टेल रीजन एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। नोटोकॉर्ड जो है वो टेल रीजन में है और अर्ली डेवलपमेंट में ये प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट एक बात है, अभी मैं आपको बताऊंगी। पहले कैरेक्टर्स देख लें। नर्व कॉर्ड डॉर्सल और ट्यूबुलर है, गिल स्लिट्स पेयर्ड है, न्यूमरस है, इसमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है। ये रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या है? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या है? तो नोटोकॉर्ड टेल रीजन में प्रेजेंट है, नर्व कॉर्ड भी टेल रीजन में प्रेजेंट है, और जो इसका लार्वा है उसको एसीडिया बोलते हैं, एसीडिया लार्वा। एसीडिया लार्वा में कॉर्डेट के सारे इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टर्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जैसे ही मेटामॉर्फोसिस होती है तो ये सारे कॉर्डेट के कैरेक्टर्स जो चूँकि टेल रीजन में प्रेजेंट हैं तो टेल का लॉस होता है और इनका भी लॉस हो जाता है। तो एडल्ट में कोई नोटोकॉर्ड नहीं दिखता, इसलिए इसमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बोला गया है कि ये जो फेनोमेनन है इसमें ये रेट्रोग्रेड जा रहे हैं, एडवांस लार्वा जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है इनटू एडल्ट विच लूजेस सम ऑफ द कॉर्डेट कैरेक्टर्स, सो इट इज कॉल्ड रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। नियोटेनी इसमें प्रेजेंट है, नियोटेनी होती है, जो लार्वा है वो रिप्रोड्यूस करने लगता है, सो दिस इज कॉल्ड नियोटेनी। लार्वा रिटेन्स इट्स लार्वल कैरेक्टर्स एंड इट स्टार्ट्स रिप्रोड्यूसिंग, सो दिस इज कॉल्ड नियोटेनी। इसका एग्जाम्पल है हर्डमानिया, ओइकोप्लूरा, सायोना, एसीडिया, पायरोसोमा, साल्पा और डोलियोलम। ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं ये इसके इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, और हर्डमानिया में रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बहुत ही कॉमन है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है इधर सिफेलोकॉर्डेटा, राइट हैंड साइड में। सिफेलो का मतलब हेड होता है, ये एक्सक्लूसिवली मैराइन है। नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड इसमें पूरे बॉडी के लेंथ में कवर्ड होती है, पूरे लेंथ में फैली हुई होती है, एक्सटेंड करती है फ्रॉम द रोस्ट्रम अप टू द टेल रीजन, और ये परसिस्ट करता है थ्रू आउट लाइफ। नोटोकॉर्ड सिफेलोकॉर्डेटा में प्रेजेंट होता है, तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसको आप याद रखिएगा। गिल स्लिट्स इसमें पेयर्ड और बहुत सारे होते हैं, मायोटोम्स इसमें अरेंज्ड होती हैं और सेपरेट होती है वी शेप के कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको मायोसेप्टा या मायोकोमाटा बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है एम्फियोक्सस या ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस या ब्रैंकियोस्टोमा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं क्रेनिएटा पे, ग्रुप क्रेनिएटा। तो ये जो ग्रुप क्रेनिएटा है इसमें क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट है, क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट है, और सब फाइलम इसका है वर्टिब्रेटा, सब फाइलम इज वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इसमें प्रेजेंट है, कि नोटोकॉर्ड जो लार्वा में प्रेजेंट था वो रिप्लेस हो गया है वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा। तो वर्टिब्रेटा का सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है? नोटोकॉर्ड
रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। अब इसे दो डिवीजन में बांटा गया है, एक है एग्नाथा, दूसरा ग्नाथोस्टोमाटा। एग्नाथा, ए मीन्स नो, ग्नाथा कम्स फ्रॉम जॉ, तो इसमें जॉ प्रेजेंट नहीं होती, ये जॉलेस फॉर्म्स होती हैं, जॉलेस फॉर्म्स। और दूसरा जो डिवीजन है वो ग्नाथोस्टोमाटा है जिसमें जॉ प्रेजेंट है, ठीक है। एग्नाथा में हम देखें तो एक क्लास है ऑस्ट्रैकोडर्मी जो कि एक्सटिंक्ट हो गया है, लेकिन जो प्रेजेंट फॉर्म्स हैं वो है साइक्लोस्टोमाटा, बहुत कम इसमें ऑर्गेनिजम्स अब प्रेजेंट हैं और इसे साइक्लोस्टोमाटा बोला जाता है। ये एक्टोपैरासाइट होती हैं फिश पे, फिश पे एक्टोपैरासाइट होती हैं। अब इसको एक्टोपैरासाइट है, दैट मींस फिश के ऊपर ये कहीं ना कहीं चिपकेगा और उनसे फूड भी लेता है। तो इसके लिए क्या होता है कि साइक्लो और स्टोमाटा, सर्कुलर स्टोमाटा, ठीक है, तो फिशेस के ऊपर ये अपने सकर से चिपक जाता है। तो सकर क्या है, इनका माउथ ही इनका सकर जैसा होता है, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ प्रेजेंट होता है जिसमें कि कोई जॉ प्रेजेंट नहीं होता, और इसी से ये फिश के ऊपर चिपकती हैं और वहीं से अपना फूड लेती हैं। बॉडी इलोंगेटेड होता है ईल की तरह, 6 से 15 पेयर गिल स्लिट होती है रेस्पिरेशन के लिए, 6 से 15 पेयर गिल स्लिट्स होती है रेस्पिरेशन के लिए, और सकिंग और सेक्टोरियल माउथ होता है, जॉ एब्सेंट होता है, स्केल प्रेजेंट नहीं होता, कोई पेयर्ड अपेंडेज या पेयर्ड फिन इसमें नहीं पाई जाती है, कोई भी पेयर्ड अपेंडेज या पेयर्ड फिन नहीं पाई जाती है। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम जो प्रेजेंट है वो कार्टिलेज का बना होता है, क्रेनियम यहाँ प्रेजेंट है और वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, मतलब ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट है और नोटोकॉर्ड जो है वो रिप्लेस हो गया है वर्टिब्रल कॉलम में। तो ये दोनों ही चीज़ें कार्टिलेज की बनी होगी। सर्कुलेशन इसमें क्लोज्ड टाइप का होता है, सर्कुलेशन क्लोज्ड टाइप का है। मैराइन होती है बट ये माइग्रेट करती हैं एग लेइंग के लिए, फ्रेश वाटर में चली आती हैं, समुद्र में रहती हैं लेकिन एग लेइंग के टाइम में फ्रेश वाटर में आ जाती हैं, और जब एग लेइंग हो जाती है तो फिर ये इमीडिएटली कुछ ही टाइम के बाद इनका डेथ हो जाता है। ओके, एक्टोपैरासाइट साइक्लोस्टोम का एग्जाम्पल क्या है, देवल भारद्वाज ने पूछा है, नीचे एग्जाम्पल लिखा हुआ है पेट्रोमाइजोन लेम्प्रे, ये जो एग्जाम्पल है ये साइक्लोस्टोम का ही एग्जाम्पल है, ठीक है, और इसका माउथ जो है लैम्प्रे का, पेट्रोमाइजन का, ये सक्टोरियल होता है, तो ये एक्टोपैरासिटिक होती हैं और माइग्रेशन इनके अंदर दिखता है। तो आपका एक होमवर्क है कि और देखिए कि कौन कौन सी फिशेस भी ऐसी हैं जो माइग्रेट करती हैं, 4-5 नाम आप कलेक्ट करिए, ये इम्पॉर्टेंट है, एनाड्रोमस माइग्रेशन और कैटाड्रोमस माइग्रेशन, कि कौन सी फिश माइग्रेट करती है फॉर स्पॉनिंग एंड गोज टू रिवर फ्रॉम द सी, और कौन सी ऐसी है जो कि रिवर से सी में चली आती है। तो ये दो वर्ड है एनाड्रोमस एंड कैटाड्रोमस, आप इसके एग्जाम्पल्स देखिएगा। ओके, देवल भारद्वाज हैज रिटन, मैम ऑल मेंबर्स आर एक्टोपैरासाइट्स और नॉट, नो ऑल मेंबर्स आर नॉट एक्टोपैरासाइट्स, ठीक है, हर मेंबर जो है इसका वो एक्टोपैरासाइट नहीं है, पेट्रोमाइजोन जो है वो एक्टोपैरासाइट है, पेट्रोमाइजोन इज एक्टोपैरासाइट ऑन फिशेज, ठीक है, और इसी का जो माउथ है वो सक्टोरियल माउथ होता है, जबकि जो मिग्जीन है उसमें टेंटिकल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, मिग्जीन में टेंटिकल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। अब इनका जो
लार्वा है वो मेटामॉर्फोज करता है और उसके बाद फिर ये ओशन में चला जाता है। तो एग लेइंग कहाँ हुई? फ्रेश वाटर में होगी, और इसके बाद उसका डेथ भी हो जाता है। तो एग लेइंग के बाद इनका डेथ हो जाता है और उसके बाद फिर जो एग्स ले होती है वो जब मेटामॉर्फोज हो जाती है तो फिर वो ओशन में चली जाती है। तो मेन इनका जो हैबिटेट है वो पैरासिटिक ही है और ओशंस का है, लेकिन कुछ टाइम के लिए ये फ्रेश वाटर में आ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग फिर गनेथोस्टोमाटा को पढ़ेंगे, और देखिए ये सारा आपका एनसीईआरटी बुक्स में है। आप बुक को भी खोल के देखोगे, एनसीईआरटी बुक में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। कहीं कहीं पे कोई कोई टर्म है जिसको समझने में दिक्कत होती है, तो उसके बारे में मैंने थोड़ा सा इसमें लिख दिया है, या उससे रिलेटेड कोई चीज़ है जो कि नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है तो मैंने लिखा है। अदरवाइज़ मैक्सिमम चीज़ें आपके एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं, और चूँकि क्रैश कोर्स है इसलिए थोड़ा सा फास्ट जाना है, और आपका एग्ज़ाम जो है वो अगस्त में होने का है, तो जल्दी से जल्दी सारी चीज़ों को कवर अप करना है। गनेथोस्टोमाटा ट्रू जॉ, ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट होगा? इट इज हैविंग ट्रू जॉज आर प्रेजेंट एंड दे हैव पेयर्ड अपेंडेजेस। पेयर्ड अपेंडेज प्रेजेंट होती है। अब इसका जो पहला सुपर क्लास है वो है पीसेस। पहला सुपर क्लास जो है वो है पीसेस, जिसको कि फिश बोलते हैं। कॉमनली क्या बोलते हैं? फिश बोलते हैं। और फिश के जो कैरेक्टर्स हैं वो बेसिकली कौन कौन से इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं? एक्वेटिक होगा, गिल्स प्रेजेंट होगी रेस्पिरेशन के लिए, और स्किन पे स्केल प्रेजेंट होगी, बॉडी जो है उसका वो स्ट्रीमलाइंड होगा, ठीक है, तो बॉडी उसका जो है वो स्ट्रीमलाइंड होगा, और इस तरह के कैरेक्टर जो हैं वो पीसेस में प्रेजेंट होती हैं। अब कुछ क्वेश्चंस आए हैं, अगर तो मैं एक बार देख लूं। ओके, विकास हैज रिटन व्हाट इज द नेम ऑफ लार्वा। तो लार्वा को एमोसीट लार्वा बोलते हैं, ठीक है, एमोसीट लार्वा होता है साइक्लोस्टोम्स का। ओके, प्रतीक्षा ने आंसर भी किया है, लार्वा नेम इज एमोसीट, गुड, ठीक है। तो अब आगे बढ़ें कि पीसेस का मैं बात कर रही थी कि ये बेसिकली इनको कॉमनली हम फिश बोलते हैं, इनके कुछ ऐसे स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं जैसे पानी के बिना सर्वाइव नहीं करते, तो एक्वेटिक होती हैं, और फिन्स होता है इनके पास जिससे कि ये लोकोमोट करती हैं, स्केल से बॉडी कवर्ड होता है, और इनका जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइन होता है ताकि इजीली लोकोमोट कर सकें, ठीक है, इजीली लोकोमोट कर सकें। अब पीसेस में दो क्लास हैं, ठीक है, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस जो है ये कार्टिलेजिनस फिशेज हैं, दीज आर कार्टिलेजिनस फिशेज। ये खारे पानी में ही पाया जाता है, इनका बॉडी स्ट्रीमलाइन होता है, और इनका जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना होता है। इनका जो माउथ है वो वेंट्रल होगा। माउथ कैसा होगा? वेंट्रल होगा। ये प्रीडेशियस होते हैं, प्रीडेशियस। नोटोकॉर्ड पूरे लाइफ परसिस्ट करता है। तो दूसरा आपको एग्जाम्पल मिला जिसमें नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट होता है लाइफ में, वो है कॉन्ड्रिक्थिस, ठीक है। अब गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपरक्यूलम। गिल स्लिट्स में कोई कवर नहीं होती, ओपरक्यूलम की कवरिंग नहीं होती। यही सारे डिफरेंसेस भी हैं कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस में, जो डिफरेंसेस हैं आपको यही सारे डिफरेंसेस भी मिलेंगे। स्किन जो है वो टफ है, कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकोइड स्केल्स। स्किन इज टफ
और उस पे प्लेकोइड स्केल्स प्रेजेंट होती हैं। प्लेकोइड स्केल जो स्केल है वो बेसिकली तीन उसमें प्लेट्स बनी होती हैं, ठीक है। और जो टीथ है यहाँ पे वो प्लेकोइड स्केल का ही मॉडिफिकेशन है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि यहाँ स्केल प्लेकोइड है और टीथ जो है वो प्लेकोइड स्केल का मॉडिफिकेशन है और इनका जॉ बहुत पावरफुल है, ठीक है। प्रतीक्षा ने लिखा है फंक्शन ऑफ प्लेकोइड स्केल। प्लेकोइड स्केल इज़ ए प्रोटेक्टिव कवरिंग, ठीक है। फिशेज में जो स्केल्स हैं दैट इज़ ए प्रोटेक्टिव कवरिंग। तो ये डिफरेंट टाइप के फिशेज में डिफरेंट होती हैं। और प्रीडेशियस, पल्लवी पटेल ने लिखा है प्रीडेशियस। प्रीडेशियस क्या है, ठीक है। तो जो दूसरे को खाती हैं, किसी दूसरे एनिमल को मारती हैं और खाती हैं, उसको प्रीडेशियस बोला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे माउथ वेंट्रल एंड प्रीडेशियस। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि एयर ब्लैडर इनके अंदर नहीं है, और जब एयर ब्लैडर नहीं है तो ये रेस्ट नहीं कर सकती। अगर रेस्ट करेंगी तो क्या होगा, सिंक कर जाएंगी। इसलिए इनको हमेशा कॉन्स्टेंटली स्विम करना होता है टू अवॉइड सिंकिंग। देन हार्ट जो है वो दो चेंबर का बना है। हार्ट दो चेंबर का बना है, एक ही ओरिकल है और एक ही वेंट्रिकल है। एक ही ओरिकल, एक ही वेंट्रिकल। कुछ में इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होती है, कुछ फॉर्म्स में इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स प्रेजेंट है। जैसे एग्जांपल है टॉर्पीडो, बहुत ही हाई इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इससे होती है, और उस दौरान अगर कोई भी प्राणी इसके टच में आएगा, इसके आसपास आएगा या टच में आएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। नाउ सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन, तो एग्जांपल हो गया टॉर्पीडो, और मैंने बताया कि बहुत ही हाई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इससे होता है और इससे डेथ भी हो जाती है। तो इसका नाम आप याद रखिएगा टॉर्पीडो, जिसको कि इलेक्ट्रिक रे बोलते हैं। कुछ में पॉइजन स्टिंग होती है, तो ट्रायंगुलर शेप की वो फिश होती है और उसका जो टेल है वो बिल्कुल धीरे धीरे टेपरिंग हो जाता है, एकदम पॉइंटेड हो जाता है, और पॉइंटेड होने के बाद क्या होता है कि उससे पॉइजन निकलता है। तो ये जैसे ही किसी के कांटेक्ट में आएंगी तो स्टिंग करेंगी, जैसे बिच्छू का स्टिंग होता है उस तरह यहाँ पे भी स्टिंग होता है। तो ये इसे ट्राइगन बोलते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने आंसर लिखा है कि प्लेकोइड स्केल का क्या रोल है और व्हाट इज द लैटरल लाइन सिस्टम गिव एडवांटेज टू कॉन्ड्रिक्थिस। लैटरल लाइन सिस्टम बेसिकली इनका जो नर्वस सिस्टम है उससे एसोसिएटेड है, और वेगस जो नर्व है वो उससे एसोसिएटेड होती है। तो ये जो लैटरल लाइन सिस्टम है ये पूरे बॉडी में एंटीरियर टू पोस्टीरियर रन करता है और स्टिमुलस को कैरी करने में, कैच करने में हेल्प करता है। तो ये बेसिकली अब एडवांसमेंट है। आप इन्वर्टिब्रेट्स में देखें कि छोटे 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 कहीं कहीं पे सेंसरी सेल्स हैं या कोई सेंसरी स्ट्रक्चर है या सेंसरी ऑर्गन पाई जाती है। अब यहाँ वो पूरा एक कॉन्सेंट्रेटेड वे में लैटरल लाइन सिस्टम बन गया है, और ये लैटरल लाइन सिस्टम इसमें बेसिकली नर्वस सिस्टम से एसोसिएटेड है। तो ये स्टिमुलस को कैच करना और नर्वस जो भी फंक्शन है उसको परफॉर्म करता है।
ओके सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द पॉइजन स्टिंग दैट इज ट्राइगोन में है और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं पाइकिलोथर्मस ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर जो है उनका रेगुलेटेड नहीं होता है, तो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेटेड नहीं है दैट मीन्स डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन वाटर, जो टेम्परेचर वाटर का होगा तो उस अकॉर्डिंग इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट करता है, वेरी करता है। सेक्सेस सेपरेट होती है और मेल में क्लैस्पर प्रेजेंट होती है। नाउ somebody हैड आस्क कि क्लैस्पर क्या है, तो वेट करना चाहिए, जब वो पॉइंट आपको दिख गया तो आप पहले ही क्वेश्चन पूछ लेते हो, तो उस पॉइंट पे मैं आऊँगी तो खुद बताऊँगी ठीक है। तो क्लैस्पर जो है वो बेसिकली एग्जोस्केलेटन जिस भी मटेरियल का बना होता है उसी तरह का ये स्ट्रक्चर डेवलप होता है ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, एंड सम ऑफ द क्लैस्पर्स में बी परमानेंट, लेकिन मोस्टली जो कॉन्ड्रिक्थिस में है ये ब्रीडिंग सीजन में मेल्स में डेवलप होता है और कई एरिया में डेवलप होगा, बॉडी के कई हिस्से में हो सकता है कि डेवलप हो। कुछ का फंक्शन जो है वो कॉपुलेटरी रोल प्ले करता है और कुछ का फंक्शन अभी भी वेल डिफाइंड नहीं है। ये क्लैस्पर्स जो हैं डेकोरेटिव भी होते हैं, कलर्ड होते हैं, इट हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग द फीमेल एंड दिस इज द काइंड ऑफ फंक्शन ऑफ द क्लैस्पर। सो समबडी हैड आस्क कि क्लैस्पर का क्या फंक्शन है। विकास कुमार पांडे ने लिखा है कि टॉर्पिडो कैन गिव 100 वी शॉक एंड देयर इलेक्ट्रिक ऑर्गन इज मॉडिफाइड मसल। यस नाउ दे आर सेक्सेस आर सेपरेट और क्लैस्पर की बात हो गई, देन फर्टिलाइजेशन यहाँ पे इंटरनल होगा और ये मोस्टली इसमें फर्टिलाइजेशन जब इंटरनल होगा तो इनमें वीवी पैरिटी भी देखी गई है। वीवी पैरिटी, तो ये वीवी पैरिटी एक एग शेल होता है और वो छोटा सा यूट्रस लाइक बैग इनके बॉडी में प्रेजेंट होता है और उसी के अंदर ये कुछ टाइम के लिए अपने यंग को रखते हैं, मतलब एग की हैचिंग उसी के अंदर होती है और जब यंग उस तरह का हो जाता है जो कि एडल्ट से रिजेंबल करता है तब वो बाहर आता है। इसलिए फिश में आप देखिएगा कि कॉन्ड्रिक्थिस में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे विवीपेरस कंडीशन है। तो विवीपेरस का मतलब होता है डायरेक्ट बर्थ, ठीक है। शिवम पटेल ने पूछा है कि व्हाट इज़ विवीपेरस, तो दो कंडीशन होता है, ओवीपेरस और दूसरा विवीपेरस। तो ओवीपेरस वो होते हैं जो एग ले करते हैं, विवीपेरस वो होते हैं जिनका चाइल्ड बर्थ होता है। तो यहाँ पे जो बर्थ होती है एग ले करते हैं लेकिन सैक लाइक स्ट्रक्चर में उसको रख लेते हैं और सैक लाइक स्ट्रक्चर में रखने के बाद उसको उतने टाइम तक रखते हैं ताकि उससे यंग वन निकले और वो फीड करता रहता है योग पे और उसके बाद फिर जो यंग वन है वो बाहर आता है, तो इसको विवीपेरस कंडीशन बोलते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है स्कॉलियोडॉन डॉग फिश, प्रिस्टिस जिसको कि सॉ फिश बोलते हैं, और कैरकैरोडॉन, ग्रेट वाइट शार्क, ट्राइगन, स्टिंगरे, एंड देयर आर सो मैनी अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो, लेकिन जो एनसीईआरटी बुक में मेनली है मैं उसी एग्जाम्पल को यहाँ पे रखी हूँ और कुछ जब मैं एमसीक्यूज कराऊंगी तो आपको वहाँ से भी कुछ नेम्स मिल जाएंगे। ओके विकास कुमार पांडे, द एनिमल्स हु डायरेक्टली गिव्स द बर्थ टू यंग वंस आर नोन एज विवीपेरस, एग्जाम्पल ह्यूमन। हाँ ह्यूमन एग्जाम्पल है और भी एग्जाम्पल्स हैं ठीक है, और इसी में कॉन्ड्रिक्थिस में भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इज ऑस्टिक्थिस। ऑस्टिक्थिस, ये जो ऑस्टिक्थिस है ये बेसिकली बोनी फिशेज होती हैं, बोनी फिशेज ठीक है। तो कॉन्ड्रिक्थिस हो गई कार्टिलेजिनस और ये हो गया बोनी फिशेज। अब बोनी फिशेज खारे पानी में भी रहती हैं और फ्रेश वाटर फिशेज भी हैं, ये दोनों जगह रहती हैं और इनका जो एंडोस्केलेटन है वो बोन का बना होता है, तो एंडोस्केलेटन इनका क्या है, बोन का बना हुआ है और बॉडी इनकी भी स्ट्रीमलाइन है ताकि इजीली स्विम कर सकें,
माउथ इनका टर्मिनल होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, आप देख रहे हो कि उसमें कार्टिलेजिनस में माउथ वेंट्रल था और यहाँ पे माउथ टर्मिनल है। इनके अंदर चार पेयर गिल्स प्रेजेंट है और ओपरक्यूलम से कवर्ड होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस में क्या डिफरेंस है। तो वहाँ ओपरक्यूलम प्रेजेंट नहीं थी, यहाँ पे गिल्स जो है वो ओपरक्यूलम से कवर्ड होती है। स्किन में यहाँ पे स्केल है, बट ये साइक्लॉयड या टिनॉयड टाइप का स्केल है, साइक्लॉयड या टिनॉयड टाइप का स्केल। और फिश के एज का अगर पता करना हो तो साइक्लॉयड और टिनॉयड स्केल से पता किया जा सकता है। इस पे जो एनुअल रिंग्स प्रेजेंट होती हैं उससे इनके एज का पता किया जा सकता है। तो स्केल रीडर होता है, स्केल रीडर में स्केल डाल के और उसके बाद उसकी जो रिंग्स होती हैं उसकी काउंटिंग की जाती है, तो पता चल जाता है कि वेदर इट इज़ 1 ईयर 2 ईयर, कितने साल का ये फिश है। और जो साइक्लॉयड और टिनॉयड स्केल है ये कम्प्लीटली एक्सटर्नल होता है, एपिडर्मल है, जबकि प्लेकॉयड स्केल जो है वो डर्मल होता है, जो कि कॉन्ड्रिक्थिस में प्रेजेंट होता है, दैट इज डर्मल। अब एयर ब्लैडर जो है वो बॉयंसी को रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे क्या है कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि कॉन्ड्रिक्थिस में क्या था, एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होती थी और उसकी वजह से वो काफ़ी घूमते रहते हैं अपने आप को हमेशा लेके, और पानी में वो घूमते रहते हैं, अदरवाइज क्या होगा, ड्राउन हो जाएंगे, सिंक हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है कि एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, तो एयर ब्लैडर प्रेजेंट होने से ये एयर ब्लैडर इनको बॉयंसी प्रोवाइड करता है और बॉयंसी जो है ये इसकी वजह से ड्रॉन नहीं होते हैं। कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं उसका अभी आंसर करती हूँ, पहले इस पेज को मैं कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। इस पेज को कंप्लीट करके फिर मैं सारे क्वेश्चंस का एक साथ आंसर करूँगी। और यहाँ पे हार्ट आप देखिए तो दो चेंबर का हार्ट है, हार्ट इज ऑफ टू चेंबर, जिसमें एक क्या है ऑरिकल और दूसरा क्या है वेंट्रिकल। तो हार्ट इज टू चेंबर्ड, वन इज ऑरिकल एंड अनदर वन इज वेंट्रिकल। तो यहाँ पे क्या है कि कंप्लीट मिक्सिंग हो जाती है ब्लड की, ब्लड गिल्स में जाता है और गिल्स में जाके प्यूरिफाई होता है, लेकिन हार्ट में उसकी मिक्सिंग रहती है। इफ्रेंट और एफ्रेंट के आर्टरीज होते हैं, जो एफ्रेंट आर्टरीज होते हैं वो इम्प्योर ब्लड लेके आते हैं और जो इफ्रेंट आर्टरीज है वो प्योर ब्लड लेके फिर बॉडी में उसको रिलीज करता है। तो इस तरह का यहाँ पे डिफरेंस है कि यहाँ पे हार्ट जो है वो दो चेंबर का है। आप आगे देखेंगे एम्फीबिया में ये तीन चेंबर का हो जाता है। तो इस तरह से डिफरेंसेस आपको मिलते रहेंगे। और नेक्स्ट कैरेक्टर अगेन कि ये भी कोल्ड ब्लडेड है, तो इनका भी जो बॉडी टेम्परेचर है वो वेरिएबल होता है और हमेशा चेंज होते रहता है। देन सेक्सेस इनके अंदर भी सेपरेट है, सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इनके अंदर एक्सटर्नल है, मोस्टली ये ओविपेरस होती हैं, तो इनमें विविपैरिटी नहीं पाई गई है, जिस तरह से कॉन्ड्रिक्थिस में विविपैरिटी देखी गई है यहाँ विविपैरिटी नहीं पाई गई है, ओविपेरस होती हैं, लेकिन पेरेंटल केयर का जो लेवल है वो बहुत हाई होता है। और नीचे आप यहाँ पे देख रहे हो एक फिश है हिप्पोकैम्पस, इसका जो मेल है उसके अंदर ब्रूड पाउच होता है, तो ये काफ़ी टाइम तक यंग वन को ब्रूड पाउच में रखते हैं, ब्रूड पाउच में यंग वन को काफ़ी टाइम के लिए रखते हैं। और भी दूसरी फिशेज है, जैसे एमिया है, माउथ ब्रीडिंग फिश उसको बोला जाता है, वो माउथ में रखती हैं अपने बच्चे को। तो यहाँ पे ओविपेरस कंडीशन है, लेकिन पेरेंटल केयर वेल मार्क्ड है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, और मोस्टली जो मेल्स हैं, जैसे हिप्पोकैम्पस है मेल, इसके अंदर ब्रूड पाउच है,
और ये अपने बच्चे को काफ़ी टाइम तक कैरी करता है, तो ये इसका इम्पॉर्टेंट एक कैरेक्टर है। अब इसके एग्जांपल्स हैं, मेराइन में अगर आप देखो तो एक्सोसीटस, जिसको कि फ्लाइंग फिश बोलते हैं, इसका इस तरह से नाम याद रखिएगा, फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स। देन फ्रेश वाटर फिश में लैबियो है, जो कि एडिबल फिश है, सबसे ज़्यादा खाई जाती है और रिलिश करते हैं लोग, कतला है, क्लैरियस है। एक्वेरियम फिशेज में बहुत सारी हैं, यहाँ पे दो नाम है, बीटा जिसको कि फाइटिंग फिश बोलते हैं, और टेरोफाइलम जिसको कि एंजल फिश बोलते हैं। तो अभी यहाँ पे आके हम लोगों ने फिश के बारे में पढ़ाई कंप्लीट की, अब मैं कुछ क्वेश्चंस देख लूँ यूट्यूब पे, मैं देख रही हूँ जिन लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। ओके, विकास कुमार पांडे, एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी, प्लीज एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ दिस। ओके, इट इज अ काइंड ऑफ सेंसरी ऑर्गन, ठीक है, ये स्पेशल टाइप का सेंसरी ऑर्गन होता है जिसको कि इलेक्ट्रो रिसेप्टर बोलते हैं, इलेक्ट्रो रिसेप्टर, ठीक है, एक स्पेशल टाइप का सेंसरी ऑर्गन है इलेक्ट्रो रिसेप्टर, और ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेड रीजन में नेटवर्क की तरह रहता है, और इसमें काफ़ी सारी पोर्स होती हैं जो कि म्यूकस से भरी होती है, और कार्टिलेजिनस फिश में ही ये पाई जाती है अक्सर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, कुछ कार्टिलेजिनस फिश जो एक्टिनोप्टेराइडियंस है या फिर लंग फिशेज है उसमें भी प्रेजेंट होती है। सो दीज आर सेंसरी ऑर्गन्स, ओके, दीज आर सेंसरी ऑर्गन्स। तो विकास कुमार पांडे, आपको समझ में आया कि एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी क्या है? सेंसिंग ऑर्गन है और ये इलेक्ट्रो रिसेप्टर है, सेंसिंग ऑर्गन एंड इट इज इलेक्ट्रो रिसेप्टर। स्कॉलियोडॉन को डॉग फिश क्यों बोलते हैं? उसका सेंस ऑफ स्मेल बहुत ही स्ट्रांग है, इसलिए उसको डॉग फिश बोलते हैं। उसका सेंस ऑफ स्मेल जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है, इसलिए उसको डॉग फिश बोलते हैं। कैट फिश भी आप पढ़ोगे, कैट फिशेज किसको बोलते हैं? तो वैसे फिशेज जिसमें कि माउथ के पास बार्ब्स या बार्ब्यूल्स, बार्बर्स निकलते होते हैं, उनको कैट फिश बोला जाता है, ठीक है। ओके, सो एनी मोर क्वेश्चन, अगर आपको और कुछ क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज आस्क, और कोई क्वेश्चन अगर आपकी है तो आप प्लीज उसको पूछिए। इफ देयर इज एनी मोर क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन है तो पूछिए। ठीक है, क्वेश्चंस अभी नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स आप लोग सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। अब यहाँ पे एक्सोसीटस जो है, फ्लाइंग फिश, क्या ये रियली फ्लाई करती है या बस ग्लाइड करती है? क्या ये रियली फ्लाई करती है या सिंपली ग्लाइड करती है? कोई बताएगा कि क्या ये रियली फ्लाई करती है या सिंपली ग्लाइड करती है? और इसके लिए कौन सा फिन मॉडिफाइड होता है, जो कि इसको ग्लाइड करने में हेल्प करता है? ठीक है, अभिषेक यादव ने लिखा है ग्लाइड करती है, वेरी गुड। और कौन सा फिन है जो कि मॉडिफाइड है? कौन सा फिन है जो कि मॉडिफाइड है? कोई नहीं बता पा रहा है, कौन सा फिन है जो? ओके, विकास हैज रिटन, इट इज द पेक्टोरल फिन, वेरी गुड, इट इज द पेक्टोरल फिन दैट इज मॉडिफाइड।
और विकास ने पूछा है कि रेक्टल ग्लैंड क्या है? रेक्टल ग्लैंड क्या है? विकास ने पूछा है रेक्टल ग्लैंड क्या है? तो रेक्टल ग्लैंड कुछ स्पाइनी डॉग फिशेज में प्रेजेंट होती है, ओके, एंड इट सिक्रीट्स सम काइंड ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड इट हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये जो सिक्रीट कर रहा है, ये सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन सिक्रीट करता है जिसका कि कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही हाई होता है। इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही हाई होता है और सी वाटर से ज़्यादा होता है। तो रेक्टल ग्लैंड इसलिए काम आता है, ये इस तरह का एपिथीलियल टिश्यू ग्लैंड है। सिंपली इट इज एपिथीलियल टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ ग्लैंड एंड इट सिक्रीट्स एक्सेस ऑफ सोडियम क्लोराइड। इट इज प्रेजेंट इन शार्क्स। देन विकास ने पूछा है कि स्क्रॉल वाल्व क्या है? इंटेस्टाइन जो है ये स्कॉलियोडॉन में या शार्क्स में वो सर्कुलर होता है और कॉइल्ड होता है, दैट एक्चुअली फॉर्म्स द स्क्रॉल वाल्व एंड इट बेसिकली इंक्रीजेस दी सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो स्क्रॉल वाल्व क्या करता है? सरफेस एरिया जो एब्जॉर्प्शन का है उसको इंक्रीज करता है। ठीक है, तो अब देखिए आप लोगों के तरफ से कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें आती हैं। एक बार कोई कहता है कि एनसीईआरटी की बुक से पढ़ाइए, एनसीईआरटी की बुक से बाहर से मत पढ़ाइए। उसके बाद जब आपके क्वेश्चंस आते हैं तो वो एनसीईआरटी की बुक से नहीं रहते हैं। तो इस तरह का आप लोग कंट्रोवर्सी मत क्रिएट करिए। और जहाँ तक नीट का सिलेबस है, सिलेबस तो एनसीईआरटी की बुक से ही है, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। आप अगर टॉप रैंकर्स में आना चाहते हो, आप एकदम से क्रैक करना चाहते हो, तो केवल एनसीईआरटी की बुक को पढ़ने से काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा उसमें जो चीज़ें लिखी हैं उनमें से उन वर्ड्स को पकड़िए और वर्ड्स को पकड़ के उनके मीनिंग को ध्यान से देखिए। उसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। जैसे नोटोकॉड वहाँ है, लेकिन नोटोकॉड क्या है और क्या क्या उसके फेट्स हैं उसके बारे में बहुत एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड वे में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन जब पूछा जाएगा ना तो वो नोटोकॉर्ड से कहीं ना कहीं ऐसा सवाल पूछा जाएगा कि फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा। पूछेगा कि किस में परसिस्टेंट है, किस में केवल लार्वा में प्रेजेंट है, किस में ये वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो गया है। तो अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो आपको आंसर करने में दिक्कत होगी। तो इसलिए ये जो भी चीज़ें हैं ये हम लोग जो पढ़ा रहे हैं वो नीट के व्यू पॉइंट से पढ़ा रहे हैं। और अगर हम केवल एनसीईआरटी के बुक को लेके और उसी के नोट्स को पढ़ाएंगे और उसमें हम जो स्पेसिफिक चीज़ें उसको नहीं एक्सप्लेन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ें। आयुषी द्विवेदी ने लिखा है व्हाट इज़ यूरोडेला। ठीक है, अब हम इसी पे आ रहे हैं कि टेट्रापोडा क्या है। टेट्रापोडा में दो पेयर लिम्ब प्रेजेंट होती है, टू पेयर्स ऑफ लिम्ब, इसीलिए इसका नाम है टेट्रापोडा। और टेट्रापोडा में यूरोडेला जो है ये एम्फीबिया में जब आप ऑर्डर लेवल तक जाएंगे, अब यही चीज़ है कि जब मैं अभी कुछ दिन पहले पढ़ा रही थी तो उसमें थोड़ा थोड़ा ऑर्डर लेवल तक गई थी, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऑर्डर का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए मैं उसको छोड़ के क्लास लेवल तक ही पढ़ाना शुरू की। तो अभी पिछला जो क्लास हुआ था उसमें मैं फाइलम और क्लास तक मैंने बताया। तो अब यूरोडेला जो है वो एम्फीबिया क्लास के अंदर एक ऑर्डर है। ठीक है, तो एम्फीबिया क्लास के अंदर क्या है? एक ऑर्डर है और ये तीन ऑर्डर में बटा होता है, ए पोडा, एन्यूरा एंड यूरोडेला। ए पोडा, यूरोडेला एंड एन्यूरा।
एपोडा जो एम्फीबिया होगा उसमें लिम्स नहीं होंगी, ठीक है, और जो यूरोडेला होगा उसमें लिम्ब प्रेजेंट होगी, और एन्यूरा उसमें भी लिम्ब प्रेजेंट है। तो अब दोनों जिसमें लिम्ब प्रेजेंट है उनमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, एन्यूरा में और यूरोडेला में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो यूरोडेला में जो एंटीरियर लिम्ब है और पोस्टीरियर लिम्ब है उनकी साइज़ सेम होती है, उनकी साइज़ सेम होती है, और उसमें जो टेल है वो परसिस्टेंट होता है थ्रू आउट लाइफ। यूरोडेला में टेल हमेशा प्रेजेंट होता है लाइफ में। लेकिन जब आप एन्यूरा में देखोगे तो एन्यूरा का जो फोर लिम्ब है वो और हाइंड लिम्ब दोनों के साइज़ में फ़र्क है। फोर लिम्ब इज़ स्मॉलर, हाइंड लिम्ब इज़ बिगर। तो ये एक डिफरेंस हुआ। और एन्यूरा में क्या है कि टेल नहीं प्रेजेंट है। तो इस तरह से ये एम्फीबिया का एक ऑर्डर है। आयुषी द्विवेदी, समझ में आया व्हाट इज यूरोडेला? एम्फीबिया क्लास में इट इज़ एन ऑर्डर एंड इट हैज़ टेल एंड द लिम्स, टू पेयर्स ऑफ लिम्स आर प्रेजेंट, और जो लिम्स है फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब उसकी साइज सेम होती है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ें। क्लास वन एम्फीबिया, ये ग्रीक वर्ड है, एम्फी मीन्स डुअल, बायोस मीन्स लाइफ। एम्फीबियंस कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिट। तो ये क्या है कि बहुत इम्पॉर्टेंट इसका एक कैरेक्टर है, डुअल लाइफ। तो इनको जीने के लिए दोनों ही तरह का लाइफ चाहिए, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड और पानी, दोनों ही चीज़ें चाहिए। और कुछ टाइम के लिए इनको पानी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, खास करके ब्रीडिंग सीजन में, नहीं तो एग ले नहीं कर पाएंगे। दो पेयर इनके पास लिम्ब होता है, बॉडी इनका डिवाइडेड होता है हेड और ट्रंक में, ठीक है। कुछ में टेल प्रेजेंट है जैसे कि यूरोडेला, ठीक है, तो टेल में भी प्रेजेंट इन सम, तो यूरोडेला में टेल प्रेजेंट है। बाकी जो एन्यूरा है उसमें टेल एब्सेंट है, और एपोडा में लिम्ब भी एब्सेंट है, टेल भी इनकॉन्स्पिकुअस होता है। स्किन इसका हमेशा मॉइस्ट रखा जाता है, ठीक है, स्किन जो है वो मॉइस्ट रखा जाता है। अब मॉइस्ट रखा जाता है तो कैसे मॉइस्ट रखा जाएगा? तो डेफिनेटली मॉइस्ट तभी रखा जाएगा जब इनके पास बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे। तो ग्लैंड प्रेजेंट है स्किन पे, इसी वजह से इनका जो स्किन है वो मॉइस्ट रखा गया है या रखा जाता है। और इससे क्या होता है कि प्रोटेक्शन भी मिलती है स्किन को, स्किन डैमेज नहीं होता। और दूसरी चीज़ क्या है कि स्किन को यूज़ किया जाता है, स्किन को यूज़ किया जाता है फॉर रेस्पिरेशन। स्किन को यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए? रेस्पिरेशन के लिए। तो इसीलिए ये जो मॉइस्ट स्किन है ये रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैस में हेल्प करती है। अब आईज़ के ऊपर आईलिड्स होता है, टिम्पैनम जो है वो ईयर को रिप्रेजेंट करता है यहाँ, तो ईयर जो है वो टिम्पैनम के रूप में ही होता है, और वो जो भी साउंड है उसको कैच करता है, तो एक तरह से रिसेप्टर का काम करता है और साउंड को कैच करता है, ठीक है। आयुषी ने पूछा है व्हाट इज़ नियोटिनी, तो अभी आ रही हूँ, इसके एंड में यहाँ लिखा हुआ है, मैं बताऊँगी, ठीक है। एम्फीबिया अभी बता रही हूँ, इसी में ये पॉइंट है नियोटिनी का, तो बताऊँगी। तो टिम्पैनम जो है वो ईयर को रिप्रेजेंट करता है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ओपन इनटू अ कॉमन चेम्बर कॉल्ड क्लोका, और इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी जब ऑफलाइन क्लासेस चल रहे थे कि क्लोका और एनस में क्या डिफरेंस है। तो जब फूड पाइप दैट मींस एलिमेंट्री कैनाल और जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की ओपनिंग है सिंगल ओपनिंग से अगर बाहर निकल रही है तो उसे क्लोका बोलते हैं। तो यहाँ पे एनस नहीं है, क्लोका इज़ प्रेजेंट, ठीक है।
और रेस्पिरेशन जो है इनमें गिल्स, लंग्स और स्किन तीनों ही चीज़ों से होता है। तो बहुत ही एफिशिएंटली ये रेस्पायर करते हैं। स्किन से होगा तो उसको क्या बोलेंगे, क्यूटेनियस। लंग से होगा तो पल्मोनरी, गिल्स से होगा तो एक्वेटिक। ठीक है, तो तीन तरह का रेस्पिरेशन है, एक्वेटिक रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन एंड क्यूटेनियस या पल्मो क्यूटेनियस वर्ड भी यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए तो हार्ट जो है वो तीन चेम्बर का हो गया, दो ऑरिकल और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होती हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। सेक्सेस इनका सेपरेट है और नियोटेनी कॉमन है। अब नियोटेनी क्या है, ठीक है, नियोटेनी कॉमन है तो नियोटेनी क्या है, ठीक है। अभिषेक ने पूछा कि डिफरेंस बता दीजिए एनस और क्लोका में, तो अभी तो बताए, फिर से बता रहे हैं। क्लोका वो स्ट्रक्चर है जिसमें कि एलिमेंट्री कैनाल और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट दोनों एक साथ ओपन होता है, अगर एक ही ओपनिंग से, तो उस ओपनिंग को क्लोका बोलते हैं। एनस जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसकी जो ओपनिंग है उसको एनस बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि बेसिकली जो एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ से स्टार्ट होगा और एनस में एंड होगा, तो जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो एनस के द्वारा निकाला जाएगा, और जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसके लिए सेपरेट ओपनिंग होती है, और क्लोका होगा जिसमें कि दोनों ही ओपनिंग एक ही साथ होगी, उसे क्लोका बोलते हैं। ठीक है, गरिमा ने पूछा है वार्टी स्किन का क्या मतलब होता है। वार्टी स्किन होता है जो स्किन रुखरा होता है, ठीक है, वहाँ स्लाइमी नहीं होगा, उसके ऊपर बहुत म्यूकस नहीं होगा, रुखरा होगा स्किन, तो उसको वॉर्टी स्किन बोलते हैं। अब नियोटेनी मैं बता रही थी कि सेक्सेस आर सेपरेट एंड नियोटेनी इज कॉमन, तो व्हाट इज नियोटेनी। जो एम्फीबिया में आप देखोगे कि कुछ लार्वा ऐसा होता है जो कि लार्वल कैरेक्टर को रिटेन कर लेता है, उसकी मेटामॉर्फोसिस नहीं होती, वो लार्वल कैरेक्टर्स को रिटेन कर लेता है, और रिटेन करने के बाद वो रिप्रोडक्शन भी स्टार्ट कर देता है। सो इट गेट्स द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस ऑल्सो, इट इज अ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैज रिटेन्ड द लार्वल कैरेक्टर्स एंड ऑल्सो गेट्स द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस। So this phenomenon is called neoteny. It is very common in amphibia. So amphibia में embiostoma है, ठीक है, embiostoma और axolotl larva. Axolotl larva क्या है कि उसमें आप देखिएगा external gills present, three pair external gill और tail भी present होता है, उसकी metamorphosis नहीं होती। अगर बहुत हाई अमाउंट में थायरोक्सिन हार्मोन दिया जाए, ठीक है, या आयोडीन दिया जाए, तब वो मेटामॉर्फोज कर पाता है, तो वो अपने लार्वल कैरेक्टर्स को रिटेन करता है, और हो सकता है कि ऐसा थ्रू आउट लाइफ हो। और ये जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे साइड में जो फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, जिसमें जैसे कि सेलेमेंडर है या प्लूटियस होता है या इस तरह से जो भी यूरोडील्स हैं, इसमें नियोटेनी कॉमन है। सो दे डेवलप द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस एंड दे रिटेन द लार्वल कैरेक्टर्स ऑल्सो। ओके, नाउ फर्टिलाइजेशन इसमें कैसा है, एक्सटर्नल। तो एग बैचेस में ले की जाती है, ढेर सारी एग्स एक साथ लेके जाती है और जिलेटिनस कवरिंग से कवर कर दी जाती है, तो इसलिए वो पूरा एक जगह पे बाउंड हो जाता है, और इसी वजह से इनको ओवीपेरस बोला गया है। द
डेवलपमेंट इसमें इनडायरेक्ट है, आपको पता है कि जैसे फ्रॉग है उसका टैडपोल लार्वा है, या अभी मैंने बताया एक्सोलॉटल लार्वा एम्बायोस्टोमा का लार्वा है एक्सोलॉटल, और इस तरह से इसमें लार्वल स्टेजेस पाई जाती हैं। तो डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट है। इसका एग्जाम्पल बूफो, टोड, राना, फ्रॉग। अब यहाँ बूफो जो है वो टोड है, राना जो है वो फ्रॉग है, इन दोनों में डिफरेंस भी है टोड और फ्रॉग में। तो पॉइजन ग्लैंड बूफो में, टोड में पॉइजन ग्लैंड्स पाई जाती है, फ्रॉग में पॉइजन ग्लैंड्स नहीं पाई जाती। हाइला ट्री फ्रॉग है, ठीक है, हाइला इज ट्री फ्रॉग। और एक होता है रैकोफोरस, रैकोफोरस को फ्लाइंग फ्रॉग बोलते हैं, रैकोफोरस। फिर सेलेमेंड्रा एंड देन इक्थियोफिस। इक्थियोफिस जो है वो लिम्बलेस एम्फीबिया है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि एम्फीबिया का एक कैरेक्टर है कि स्किन पे स्केल नहीं प्रेजेंट होता है, स्किन जो है उसका स्केललेस होता है। लेकिन जो एपोडा है एम्फीबिया के अंदर, जो एपोडा है, यहाँ मैंने पॉइंट में लिखा भी है कि एपोडा, एपोडा में स्केल प्रेजेंट होता है। तो लिम्बलेस एम्फीबिया है इक्थियोफिस, लेकिन वो जो है उसमें स्केल बेसिकली प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा इसको करेक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पे स्केल इज प्रेजेंट इन इक्थियोफिस, स्केल इज प्रेजेंट। ऊपर मैंने यहाँ लिखा है द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स एक्सेप्ट एपोडा। तो एपोडा में स्केल प्रेजेंट है, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ एपोडा का इक्थियोफिस है जो कि लिम्बलेस एम्फीबिया है, लेकिन उसके अंदर स्केल प्रेजेंट है। तो यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, स्केललेस लिखा गया है, इसको करेक्शन करके मैं भेजूंगी आपको, इट इज़ हैविंग स्केल। अब आप लोगों को कोई और क्वेश्चन पूछना है तो एक दो मिनट और क्लास चलेगी, आप जल्दी से क्वेश्चंस पूछ लीजिए, देन आई विल एंड द मीटिंग। और रिमेनिंग पार्ट जो रह गया है एव्स और मैमल, रेप्टाइल एव्स एंड मैमल, वो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूँगी। सो इफ देर इज एनी मोर क्वेश्चन, एनी मोर क्वेश्चन, इज देर एनी मोर क्वेश्चन? तो इन टॉपिक से रिलेटेड अगर और भी कोई क्वेश्चंस होगी, कोई इश्यूज होगा, तो आप नेक्स्ट क्लास में फिर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करूँगी।